नमस्कार दोस्तों, आज दिल्ली में पूर्वी निगम के अंतर्गत जो हाल ही में डीडीए द्वारा लैंडफिल साइट का एलोकेशन हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। आम आदमी पार्टी ने एक पूरी रणनीति बना रखी है यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस क्षेत्र में रहने वाली जनता को किसी भी किस्म की परेशानी, तकलीफ, उनके जान माल को नुकसान ना हो, और इसकी पृष्ठभूमि में जैसा कि हमने पहले बताया था, आम आदमी पार्टी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में आज अपनी याचिका दायर की है, जिसकी प्रति जो है आज आप लोगों को दी जाएगी। इस याचिका में जो स्थानीय पार्षद साथी मनोज त्यागी जी, विधायक साथी श्रीरज शर्मा जी, कुलदीप भाई और स्वयं मैं, हम लोगों की तरफ से एक सामूहिक याचिका दायर की गई है, और इस याचिका में जो प्रमुख बिंदु है ध्यान देने योग्य, वो मैं आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। ट्रिब्यूनल के पास जाने का जो आधार हमने लिया है, उनमें से कुछ एक आधार आपको बताना चाहूंगा। पहला तो ये कि ये लैंडफिल साइट का एलोकेशन जहां हुआ है वो एरिया बसावट का एरिया है, रिहायशी इलाका है, और चूंकि ये रिहायशी इलाका है, इस प्रकार का कोई भी एलोकेशन किया जाना वहां की जनता के हित के खिलाफ है। दूसरा आधार इस याचिका का, इस लैंडफिल साइट के निर्माण से उस इलाके में रहने वाली जनता गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो सकती है, तरह तरह के गैसों का उत्सर्जन वहां से होगा, एमिशन वहां से होगा, और इस ऐसा होने के एम्पिरिकल रिकॉर्ड्स भी हैं, डेटा भी है। गाजीपुर लैंडफिल साइट के आसपास के इलाकों का अध्ययन यदि आप करें, वहां के आसपास के अस्पतालों का अध्ययन करें, त्वचा और फेफड़े से जुड़ी हुई बीमारियां, स्किन लंग के कैंसर के पेशेंट्स की संख्या लैंडफिल साइट के बनने के बाद से लगातार बढ़ रही है, और लैंडफिल साइट की ऊंचाई निर्धारित सीमा से बढ़ जाने की वजह से लैंडफिल साइट से जो विष तत्व तो पैदा होते हैं, जो टॉक्सिन पैदा होता है, उसे वहां की जो भूमि है, जो जमीन है, वो सकिन करती है, लिहाजा जो ग्राउंड वाटर है वो इस कदर कंटेमिनेट होता है कि उस इलाके में झुग्गियों के अंदर लोग लकवाग्रस्त हो रहे हैं। और मैं चाहूंगा आप इसे कुछ साथी अगर हिम्मत करें स्टोरी करने की, तो आप लोगों को उस इलाके में लेकर जाएंगे जहां लगभग हर घर में एक लकवे का मरीज है, और ये पहले स्थिति नहीं थी, आज से 7-8 साल पहले स्थिति ऐसी नहीं थी। ये उसके अप्रत्यक्ष घातक जानलेवा परिणाम है, इसे भी आधार बनाया गया है। इसके अलावा कानून के मुताबिक स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की यह जिम्मेदारी है कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट 2006 का जो नोटिफिकेशन है उसको अपहेल्ड किया जाए इन लेटर एंड स्पिरिट, और ये जो EIA नोटिफिकेशन 2006 है, ये कहता है कि यह सरकारों की
कंसर्न एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि बदलाव के दबाव में आने के बावजूद विकास के लिए ऐसे सिद्धांतों का अनुमोदन करें। मैं इंग्लिश में भी पढ़ दूंगा इसको, हिंदी थोड़ी शुद्ध हो रही, जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बैलेंस को मेंटेन करें। इट सेज द क्लॉज 40 सेज द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट्स आर देयरफॉर अंडर एन एक्सटेंडेड लीगल ऑब्लिगेशन टू इंश्योर दैट द प्रेशर्स of the changing needs do not trespass the balancing principles of sustainable development. और यहाँ पे वो सिद्धांत violate होता है sustainable development वाला। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का भी ये मानना है कि इस प्रकार के प्रावधान sustainable development के बनाने की जिम्मेदारी या उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी लोकल म्युनिसिपल बॉडीज की होनी चाहिए, ये वो इंश्योर करें। और इसमें तीन बातें कही जाती हैं, एक केस का ऑर्डर आया था उसके तहत तीन बातें कही गई थी। वेल्लोर का केस था, वेल्लोर सिटीजंस वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996, जो ये तीन मानदंडों की बात करता है। पहला एनवायरमेंट मेजर्स, जो ये कहता है कि स्टेट्यूटरी अथॉरिटीज को एंटिसिपेट करके और प्रिवेंट करना पड़ेगा सारे ऐसे अटैक्स को जो एनवायरमेंट के ऊपर होते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि किस चीज से क्या खराब होने की, बिगड़ने की संभावना है और आप उसे प्रिवेंट करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। यह भी कहा गया है कि ऐसे भी एक्शंस हो सकते हैं जो इररिवर्सिबल डैमेजेस लेकर आए, जो जिनमें लैक ऑफ साइंटिफिक स्टडी इन्वॉल्व हो, तो इन सब को कभी भी कोई स्टेटरी अथॉरिटी ऐसा कारण नहीं बनाएगी कि इसकी वजह से हम नहीं कर पाए, एक्सक्यूज नहीं देगी इसका। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात की जो एक्टर है जो वहां पे डैमेज क्रिएट कर रहा है, ये ओनर्स ऑफ प्रूफ की जिम्मेदारी उसकी हो। तो इन तमाम ग्राउंड्स को ध्यान में रखते हुए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि ये यमुना का रिवर बेड है, आम आदमी पार्टी ने एनजीटी में याचिका दायर की। और हमारी याचिका के चार मेजर प्रेयर्स हैं जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। पहला प्रेयर है, Direct the respondent authorities not to disturb environment in area. जो respondent authorities हैं, जिसमें CPCB, NIRI और East MCD है, तीनों ही भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में हैं, इनको निर्देशित किया जाए कि उस एरिया में किसी भी किस्म का environmental damage न क्रिएट करें। दूसरा हमने कहा है, direct the respondent number 2, that is DDA, to cancel the allotment of dumping land site at Sonia Vihar and Gonda, Gujran, to EDMC and report the same to this honorable tribunal. हमने कहा है कि माननीय ट्रिब्यूनल जो है निर्देशित करे DDA को कि इस लैंड अलॉटमेंट को तुरंत कैंसिल करके और ऑनरेबल ट्रिब्यूनल कोर्ट को इमीडिएटली रिपोर्ट करें कि यह कैंसिलेशन हो चुका है because of the different grounds that we put our petition upon. Teesri baat, direct the respondent authorities to conduct a cumulative impact study to record the status of ecology and environment on a specified date as the tribunal may think fit and proper. Iske alawa tribunal ko jaise bhi theek lage us ilake mein jo एनवायरमेंट का डैमेज होने की संभावना है, इकोलॉजी का डैमेज होने की जो संभावना है, जिस समय तक ट्रिब्यूनल को ठीक लगे उस दौरान तक ट्रिब्यूनल एक अथॉरिटीज को एक क्यूमुलेटिव इंपैक्ट स्टडी करने के लिए निर्देशित करे और उसकी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाए। और चौथा, पास एनी सच और फर्दर ऑर्डर एज दिस ऑनरेबल ट्रिब्यूनल मे डीम फिट एंड प्रॉपर इन द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। चौथा, हमने
माननीय ट्रिब्यूनल के ऊपर भी छोड़ा है कि आपको इसके अलावा और भी जो कुछ ठीक लगता हो वहां के नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए और वहां के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, तो आप वे फैसले भी सुनाए, वो फैसले भी करें। ये पिटीशन आज हमने फाइल करी है एनजीटी में और इसकी कॉपी में आपसे शेयर कर देंगे। मैं आप लोगों से आज आम आदमी पार्टी का रोड मैप भी शेयर करना चाहता हूं। हमने दिल्ली सरकार को, वहां के रेसिडेंट्स आरडब्ल्यूएस हमारे पास आए, आरडब्ल्यूएस ने हमको, वहां के स्थानीय विधायक साथी को, पार्षद साथी को चिट्ठियां लिखी, लिहाजा हमारे पार्षद साथी ने आप इसको और वहां के आरडब्ल्यूएस ने चिट्ठियां लिखी हैं दिल्ली की सरकार को कि महोदय हम आपके मतदाता हैं, हालांकि आपका इस अलॉटमेंट से कोई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लेना देना नहीं है, फिर भी आप सुनिश्चित करें कि इस तरह का अत्याचार इलाके की जनता पे ना हो, जिसमें 11 बिंदुओं को इंक्लूड करते हुए निवेदन किया गया है पर्यावरण मंत्री महोदय से कि इस मसले पर इंटरवीन करके और लैंडफिल साइट के एलोकेशन को कैंसिल कराएं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी सोमवार से जो लोकसभा क्षेत्र है उस इलाके का, जो तकरीबन 7-8 विधानसभाएं प्रभावित होती हैं, उन 7-8 विधानसभाओं में इस विषय पर जनता के दरवाजे खटखटाएगी। कूड़े का पहाड़ हटाओ हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा हमारे साथियों द्वारा और इस हस्ताक्षर अभियान से भी यदि भारतीय जनता पार्टी शासित डीडीए डीडी और ईडीएमसी के ऊपर इकान पर जू नहीं रहती है तो आम आदमी पार्टी फिर सड़क का भी रुख करेगी। पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस पूरे मामले में हम इसे, इस पूरे मामले को लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाएं और वो लॉजिकल कंक्लूजन यही है कि इस क्षेत्र पे लैंडफिल साइट्स ना बने।